और अब रुक करते हैं इंदौर का, जहां क्राइम कंट्रोल के लिए अब पुलिस का नया प्लान यहां पर तैयार किया जा रहा है। तो इंदौर से एक अहम जानकारी, 4 से ज्यादा केस होने पर अब रासुका लगेगी, अपराध नहीं रुके तो टीआई भी यहां दोषी माना जाएगा। तो इंदौर से खबर, क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस का एक नया प्लान जल्द ही जारी किया जा सकता है। इस पर तैयारियां जोरों पर पुलिस प्रशासन की यहां पर हो रही है, जहां 4 से ज्यादा अगर एक ही क्षेत्र से केस आते हैं तो अब रासुका यहां लग सकती है, अगर नहीं रुके तो टीआई भी यहां पर दोषी माना जाएगा। तो इंदौर से एक अहम जानकारी आपको दे रहे थे, क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस का नया प्लान, 4 से ज्यादा केस होने पर अब रासुका लगाई जाएगी, अपराध नहीं रुके तो टीआई भी दोषी माना जा सकता है। और अब फोन लाइन पर हमारे साथ संवाददाता सचिन शर्मा जुड़ गए हैं। सचिन, क्राइम कंट्रोल के लिए अब पुलिस का जो नया प्लान है, इसके बारे में जानकारी लेंगे कि किस तरह से एक ही क्षेत्र में अगर यहां पर 4 से ज्यादा केस मिले तो रासुका लगाई जाएगी। निश्चित रूप से देखिए, लगातार पुलिस क्राइम कंट्रोल करने के लिए लगातार प्रयास करते जा रहा है। वहीं इसी तारतम्य में वरिष्ठ जो अधिकारी है उनके द्वारा ये भी आदेशित सभी समस्त थाना प्रभारियों को किया गया है कि अगर कोई बदमाश क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करता है या जघन्य घटना को अंजाम देता है तो उसका दोषी थाना प्रभारी को भी माना जाएगा। तो उसके जिसके चलते वही जो जो आरोपी है इनको पर 4 से अधिक अपराध है, उनको पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये लगातार कार्रवाई जारी है। फिलहाल वर्तमान में जो अर्जुन ठाकुर गोलीकांड हुआ उसके बाद से लगातार पुलिस सतत एक्शन मोड में नजर आ रही है। सतत जो शराब के आहते हैं उनमें भी सतत चेकिंग कर रही है। इसके चलते 570 से अधिक ऐसे आपराधिक है जिनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। वही कल की बात करें तो कल 5 रासुका की कार्रवाई की गई, इसके अलावा 10 से अधिक एनएसए की कार्रवाई की गई। तो इस तरह की पुलिस कार्रवाई लगातार करती है और जो आपराधिक तत्व है इनकी आर्थिक कमर तोड़ने का भी प्रयास कर रही है, ताकि ये जो अपराध से पनपते हैं ये पनप नहीं पाए और इनकी जो क्षेत्रों में खोप है वो कहीं ना कहीं कम हो। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो इंदौर से एक अहम जानकारी आपको दे रहे थे, जहां क्राइम कंट्रोल अब नया प्लान तैयार करने जा रही है, जिसकी कवायद अब शुरू हो चुकी है और जल्द ही इस प्लान को तैयार किया जा सकता है। जिस तरह से अपराध लगातार बढ़ रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए बड़ा फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। अगर अपराध नहीं रुके तो टीआई को भी यहां दोषी माना जा सकता है और अगर 4 से ज्यादा केस यहां कहीं भी किसी भी क्षेत्र में मिलते हैं तो वहां रासुका भी लगाई जा सकती है।